अगर एक 1000 अगर मिल जाए तो वह 500 है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहसिन सुल्तान। तो कैसे हैं आप सब? आज ये व्लॉग नहीं है, ये एक छोटी सी वीडियो है स्कैम से रिलेटेड। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते। अगर आपने वीडियो को आगे करके देखा, फॉरवर्ड किया, तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे आप लोग। तो जल्दी से टॉपिक पे आता हूँ। आज से कुछ 2-3 दिन पहले जब मैं रात को बाहर गया, तो मैं गैस स्टेशन पे गया पेट्रोल डलवाने के लिए। तो जब पेट्रोल डलवा के मैं गैस स्टेशन पे ही था, थोड़ा सा आगे मैंने कार की तो पैसे वगैरह वॉलेट में डाल रहा मैं अपने, तो एक बाइक पे मेरे पास एक लड़का आया, अच्छी डिसेंट फैमिली से था। तो उसने मुझे आके कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पेट्रोल डलवा दें। मैंने ज़्यादा उसे क्वेश्चंस नहीं किए, हैड जो हो सकता था मैंने उसकी हेल्प की। फिर जब मैं रात को घर आया तो अचानक से मेरे माइंड में एक वीडियो आई जो मेरे पास मेरे व्हाट्सएप में थी। वो वीडियो क्या थी वो मैं आपको भी कुछ देर में दिखाऊंगा। वीडियो ये आपने कुछ आगे नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना। हुआ फिर ऐसे कि एक दफा मुझे याद आया घर आने के बाद, मेरे साथ ये स्टोरी तो पहले भी हो चुकी है एक दफा। मैं लाहौर इकबाल टाउन एरिया में था, तो वहां पे एक कार आई मेरे पास, मेहरान थी, उसमें एक अंकल थे, आगे आंटी ने गोद में एक बच्ची उठाई हुई थी। और वो मुझे कहते हैं कि हम लाहौर के ही हैं, हमने पता नहीं कहाँ पे जाना है, जल्लो मोड़ के पता नहीं कहाँ पे, दरोगे वाला, हमने वहाँ पे जाना है, तो आप हमें ना 1000 का पेट्रोल डलवा दें। दे दिए, मैंने उनको पैसे दे दिए। कुछ टाइम के बाद मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई आजकल ये एक स्कैम चल रहा है, लोग इस तरह आते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वो कुछ डिस्टर्ब हैं, और बट ठीक है, वीडियो आके दिखाता हूँ, उसके बाद आपसे एक बात करता हूँ। अब ये वीडियो देखें, इस वीडियो में मैंने एक मिमिक्री की है और इसमें ये बताया कि ये लोग स्कैम किस तरह करते हैं। और ये वीडियो आज से तकरीबन 1.5 साल पुरानी है, तकरीबन 1.5 साल पुरानी है ये वीडियो। और हम ये एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, तो वहाँ पे जाते वक्त रास्ते में रुके हुए थे, तो मैंने ये वीडियो बनाई एवं। तो ये वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। स्कैमर्स बी लाइक चल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं मांगने वाला नहीं हूँ। अच्छा, सियालकोट से आया था तो फ्यूल खत्म हो गया और इस टाइम मेरे पास कैश भी नहीं। मेरे पास तो भाई पैसे नहीं है, सीधी सी बात है मैम। अगर एक 1000 अगर मिल जाए तो वह 500 तेरे बाहर है। पहले आप कुछ दें हमें, पता तो लगेगा। मैम मैं आपको ये अपना ये आईडी कार्ड दे सकता हूँ, आप ये देखें जी। ओके चले जी, ये ले 500, आप दे 500 का आजाद कर, 1000 और हो जाए। ये ले ये भी ले जी, 1000 हो गया पूरा। अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। थैंक यू। जा जा टूट जा दिस इज बिजनेस। तो ऐसे होता है स्कैम। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों की मदद करना छोड़ दें। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि उसको ज़रूरत है या नहीं, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए करना होता है। कभी कभी होता है, हमें पता होता है कि ये बंदा जो है ये हमें पागल बना रहा है, ठगने की कोशिश कर रहा है, ये जो बेगर आया है ये फेक है, बट हम लोग फिर भी हेल्प कर देते हैं कि कोई नहीं अल्लाह के लिए कर रहे हैं। बट ये आजकल ये एक नया तरीका निकला है, बड़ी अमाउंट निकलवाने का। जी पेट्रोल खत्म हो गया है, आपने गाड़ी वाले को 1000-2000 देना ही देना है। तो बी केयरफुल, आपने जब कभी भी किसी की हेल्प करनी है, किसी के चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं लिखा होता कि वो ज़रूरतमंद है या नहीं, और बस अल्लाह की रज़ा के लिए हेल्प करनी चाहिए। आजकल वैसे भी जैसे पाकिस्तान के और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोगों के हालात चल रहे हैं, लोगों को तो बस अल्लाह का ही सहारा है, और बस दुआ करें सबके लिए, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आजकल हमारे पाकिस्तान के मुल्की हालात बहुत ज़्यादा डाउन जा चुके हैं, लोग बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, जो कमाते हैं पेट्रोल में और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में चला जाता है। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि या तो पेट्रोल पूरा कर लो या तो घर के बिजली के बिल दे लो। खाना तो हम लोग पूरा पाकिस्तान बाद में है, हर बंदा इस टाइम खाना बाद में खाता है, पहले उसको टेंशन ही होती है कि उसने बिल देना है। तो लोगों के हालात आजकल ख़राब हो गए हैं कि अच्छे से अच्छा बंदा भी आपको रोड पर इसी तरह नज़र आता है। मदद करें जितना हो सके, अल्लाह बरकत डालता है, बट थोड़ा सा ध्यान से ख्याल रखिएगा कि कहीं कोई आपको उल्लू तो नहीं बना रहा। खैर, मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा।
अगर वीडियो पसंद आई इसको शेयर भी कर सकते हैं आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि वीडियो को शेयर करें आप, ताकि लोगों को पता चले कि इस वीडियो में जो मैंने बताया है ये क्या है। लोगों को शेयर करें आप, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप, mohsinsultan.17। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।